स्वागत है आप सबके अपने चैनल अरहान एंटरटेनमेंट में। तो आज हम लोग बात करेंगे स्वाम दिंग के एपिसोड 10 के बारे में। तो कैसा था ये एपिसोड 10 मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में। सच बता रहा हूँ, ये वन ऑफ दी बेस्ट वेब सीरीज लगी मुझे, इस वजह से मैंने इसके सारे वीडियोस एक्सप्लेन किया। तो जिन लोगों ने मेरे स्वाम दिंग पे बनाए प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो वो मेरे यूट्यूब चैनल यानी अरहान एंटरटेनमेंट में जाके चेक कर सकते हो। आपको पूरे के पूरे 9 एपिसोड मिल जाएंगे, मैंने एक्सप्लेन किया हिंदी में, क्योंकि ये वेब सीरीज इंग्लिश में है और हिंदी में नहीं है। तो यार ये 10वां एपिसोड भी मैं आज एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। और आपको बता दूं कि इसमें हमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी देखने को मिलता है, और वो पोस्ट क्रेडिट सीन कितना जबरदस्त है और उससे क्या मालूम पड़ता है हमें आने वाले सीजन के बारे में। हालांकि डीसी वालों ने इसके आने वाले सीजन को कैंसिल किया है, लेकिन पोस्ट क्रेडिट सीन देखने के बाद तो इतना मैं आपको श्योर बता सकता हूँ के सीजन 2 आएगा ही आएगा, वरना इस पोस्ट क्रेडिट सीन का मतलब क्या बनता है। और पोस्ट क्रेडिट सीन मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा अच्छा लगा, तो यार मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। तो इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक जरूर देखना। वीडियो पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही जो बेल आइकन उसे प्रेस कर देना, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करना। तो शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। तो एपिसोड 10 की शुरुआत होती है एलेक और एबी से। एलेक कहता है, मैं कभी एलेक हॉलैंड नहीं था। एबी कहती है, ये सच नहीं। एलेक कहता है, मैं तो सिर्फ एक चीज हूँ जो पैदा हुआ है उसकी मौत के बाद, एक धुंधली कॉपी हूँ उसकी याददाश्त की। एबी कहती, नहीं, तुम्हारे अंदर एलेक की मेमोरीज उसकी फीलिंग्स है। एलेक कहते हैं, हाँ मेमोरीज वही जो एक मरे हुए आदमी से चुराई है। एबी कहती है, तुमने सुशी को बचाया, मुझे बचाया। एलेक कहता है, मैं सिर्फ दोबारा से नॉर्मल इंसान बनना चाहता था। एबी कहती है, मैं भी यही चाहती थी, तुम फिर से नॉर्मल जिंदगी जियो, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। जब मैं तुम्हारी आंखों में देखती हूँ, मैं तुम्हें देखती हूँ, मैं उस इंसान को देखती हूँ जिसे मैं कभी जानती थी। एलेक कहता है, वो लोग वापस आ रहे हैं, पर इस बार पूरी तैयारी से आ रहे हैं। मैंने उन्हें चोट पहुंचाई है, इसीलिए वो लोग गुस्सा है, उन्हें बदला लेना है। एबी कहती है, मुझे एक मौका दो सब ठीक करने का। एलेक कहता है, क्यों? एबी कहती है, मैं वो लोग को फिर से तुम्हें टॉर्चर करते नहीं देख सकती। एलेक कहता है, इस बार मैं उन लोगों को ऐसा कुछ करने नहीं दूंगा। ऐसा कहकर एलेक वहां से गायब हो जाता है। अगले सीन में डॉक्टर वुड्रो हमें उसकी वाइफ कैरोलिन के साथ नजर आता है। वो कहता है, मैंने उसे खो दिया, पर मैं जानता हूँ तुम सोच रही हो वो उन लोगों की वजह से गया, ना कि मेरी वजह से। मेरी पूरी जिंदगी में मैंने एक बात देखी है, जिन लोगों को कुछ नहीं पता वही लोग मेरे काम में दखल करते हैं, पर अब हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा माय लव। नेक्स्ट सीन में लीज पूछती है एबी से, क्या तुमने उसे ढूंढ निकाला? एबी कहती है, जैसे उसने कहा कि वो कोव जा रहा है, वो वहां गया भी, वहां उसने अपनी डेड बॉडी पानी से निकाली। वो उसकी नहीं, वो एलेक की बॉडी थी, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या कहूँ तुमसे। मैं सोचती थी मैं उसकी मदद करूंगी, उसे ठीक कर पाऊंगी, लेकिन मैंने उसे खो दिया, मैंने सब कुछ खो दिया। लीज कहती है, तुमने वो सब कुछ किया जो तुम कर सकती थी, पर एबी कहती है, उतना काफी नहीं था, मुझे कैसे भी उसे प्रोटेक्ट करना है। लीज कहती है, अब हमें किसी भी तरह से ये मालूम करना पड़ेगा एवरी और वुड्रो के पीछे कौन है, क्योंकि एवरी इतना सब अकेले नहीं कर सकता। एबी कहती है, जिन लोगों से मैं अटलांटा में मिली थी उन लोगों का कोई ना कोई कनेक्शन होगा, क्योंकि वो लोग क्यों चुनेंगे वही बिल्डिंग जो मारिया सुंडरलैंड की है। लीज कहती है, शायद तुम नहीं जानती, मारिया बार्कले साइकेट्रिस्ट इंस्टीट्यूट में बंद है एवरी के वजह से। हैबी कहती है, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता, क्योंकि वो सब जानती है वो लोग कौन है। लीज कहती है, क्या वो तुमसे बात करेगी? हैबी कहती है, उसे करना ही होगा। लीज अपने टैबलेट में ब्लू डायमंड का फोटो देखती है, तभी अपने डैड को कहती है, मुझे जाना होगा मेरे फ्रेंड के पास। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर वुड्रो कैरोलिन से कहता है, तुम्हारे लिए बहुत अजीब होगा, पर तुम जो महसूस कर रही हो ये दवा का ओवरडोज की वजह से है। तुम अपने हाथ पैर नहीं हिला पा रही हो और ये तुम्हारे पूरे जिस्म को ठंडा कर रहा है, लेकिन तुम सब देख सकती हो, सुन सकती हो। क्या तुम अपनी आंखें झपकाकर मुझे बता सकती हो कि तुम सब समझ गई? मैंने तुम्हें निराश किया माय लव, जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी मैं वहां नहीं था, पर आज मैं सब ठीक कर दूंगा। वो क्रिएचर चला गया तो क्या हुआ, पर मेरे पास उसकी बॉडी के पार्ट्स है, जैसे कि उसके लंग्स, हार्ट, लिवर और ब्रेन। इनकी रिजेनरेटिव सेल्स में तुम्हारी बॉडी में डालूंगा, वो तुम्हारी बॉडी को अंदर से ठीक करेंगे और तुम फिर से पहले की तरह हो जाओगी, जैसा मैंने तुमसे हमेशा वादा किया था।
अगले सीन में नेटन एलेरी अपने पूरी तैयारी से एले को मारने के लिए निकल रहा होता है, तब भी वहाँ एवेरी आ जाता है। वो नेथन से कहता है, अगर तुमने एलेक को मार दिया तो मेरा प्रोजेक्ट खराब हो जाएगा। पर नेथन कहता है, पिछली बार तुम्हारी वजह से बहुत लोग मरे थे, इस बार मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। एवेरी कहता है, हमारी डील हुई थी। नेथन कहता है, तो डील खत्म। नेक्स्ट सीन में शेरिफ अपने बेटे मैट को देखने हॉस्पिटल आई है। यहाँ लीज डैनियल को मिलने उसके स्टोर पर आती है। डैनियल कहता है, मुझे यहाँ से जाना है, इसकी आवाज मुझे हर जगह सुनाई दे रही है, इस ब्लू डेविल की। मुझे लगा ये सिर्फ एक कैरेक्टर है मूवी में, पर अब ये मेरे दिमाग से खेल रहा है, मुझे कैसे भी यहाँ से जाना है। नेक्स्ट सीन में मारिया हमें नजर आती है, उसे बहुत से लोगों की आवाजें सुनाई देती है। तभी वहाँ मैडम जनाडू आती है। मैडम जनाडू यहाँ मारिया से ये कहती है, तुम अपनी बेटी को दोबारा देखने के लालच में वो सारे शैतानों को भी आजाद कर दी हो, वो लोग तुमसे बहुत बुरी बुरी चीजें करवाएंगे। मारिया कहती है, पर तुम तो अब यहाँ हो, तुम सब ठीक कर सकती हो। मैडम जनाडू कहती है, मैं तुम्हें ऐसी जगह भेज दूंगी जहाँ से तुम फिर कभी वापस नहीं आ पाओगी। नेक्स्ट सीन में नेथन अपने लोगों के साथ स्वयं के जंगलों में एलेक को ढूंढता नजर आता है। तभी उसे एलेक के फुटप्रिंट नजर आते हैं। अगले सीन में एबी मारिया के यहाँ जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात जनाडू से होती है। मैडम जनाडू एबी से कहती है, तुम्हारी मदद एवेरी कर सकता है, मारिया को अकेले छोड़ दो। नेक्स्ट सीन में एवेरी हमें डेलरोज बार में नजर आता है। तभी उसे पता चलता है कि बीती रात को मैट का एक्सीडेंट हुआ। अगले सीन में डॉक्टर वुडरो एलेक के हार्ट को कुक करता नजर आता है, उसे खाता भी है। खाते ही वो तड़पने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। यहाँ नेथन अपने साथियों के साथ एलेक की तलाश कर रहा है। तभी उन्हें उन्हीं में से एक की लाश मिलती है। वो लोग डर जाते हैं। तभी वो लोग समझ जाते हैं कि वो उसका शिकार नहीं बल्कि वो उनका शिकार कर रहा है। यहाँ डॉक्टर वुडरो को होश आ गया है और वो अब अपने अंदर कुछ पावर्स महसूस कर रहा है। तभी वही एबी आ जाती है। एबी कैरोलिन की हालत देखकर समझ जाती है कि उसे हॉस्पिटल लेकर जाना होगा, पर वुडरो उसे रोक देता है। नेक्स्ट सीन में मैट से मिलने एवेरी हॉस्पिटल आता है। वहाँ शेरी उसे कहती है, तुम जानते हो मैट तुम्हें मारना चाहता था, तुम फिर भी उसे मिलने आए हो। एवेरी कहता है, बेटा बाप से नफरत कर सकता पर बाप को हमेशा उसे माफ करना चाहिए। यहाँ पर एवेरी शेरीफ से कहती है, मारिया से मैं डिवोर्स ले रहा हूँ, इसका मतलब है अब तुम, मैं और मैट फिर से दोबारा साथ रहेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। शेरीफ कहती है, अपने बेटे को भी अपनी तरह मर्डर बना दिए, तुम मुझसे और मैट से दूर रहो। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर वुडरो एबी नजर आते हैं। एबी कहती है, तुम्हारे प्लेट में जो है क्या वो एलेक के ऑर्गेन से? वुडरो कहता है, वो एलेक नहीं है। एबी कहती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम क्या सोचते हो, पर मुझे इतना यकीन है एलेक अब भी जिंदा है, तुम सब जानते भी थे, फिर भी उसे एक साइंस एक्सपेरिमेंट की तरह लिया। डॉक्टर वुडरो कहता है, वो सिर्फ एक प्लांट है जिसमें रीजेनरेटिव, जो अब मैं यूज करूंगा मेरी वाइफ की जान बचाने के लिए। एबी कहती है, ये पागलपन है। वुडरो कहता है, नहीं, ऐसा कहकर वो अपनी वाइफ को एलेक के ब्रेन खिलाने जाता है। एबी उसे रोकती है, वो एबी पर हमला करता है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और एबी को बचा लेती है। नेक्स्ट सीन में नेथन और उसके लोगों पर एलेक हमला कर देता है। यहाँ एबी और लीज बात करते हैं। एबी कहती है, वुडरो पागल हो गया है। वुडरो को पुलिस ले जाती है। मैट को हॉस्पिटल में होश आता है। वो शेरिफ को अपने सपने के बारे में बताता है। शेरिफ हॉस्पिटल से बाहर निकलती है। पार्किंग लॉट में एवेरी शेरिफ को मार देता है और उसकी बॉडी को कार में डालकर उसे पानी में फेंक देता है। एलेक नेथन को कहता है, तुम्हें मैं जिंदा इसीलिए छोड़ रहा हूँ ताकि तुम जाके सबको बोल सको कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, और अब मुझे और परेशान मत करो, अकेले छोड़ दो मुझे। एबी हमें नजर आती है एलेक के लैब में। तभी वहाँ उसे एलेक मिलता है। एलेक कहता है, तुम वापस क्यों आई? एबी कहती है, मैं देखने आई थी कि तुम ठीक हो या नहीं। एलेक कहता है, एलेक हॉलैंड मर चुका है और अब कुछ नहीं जिसे तुम बदल सको। एबी कहती है, मैं यहाँ कुछ बदल नहीं, सिर्फ
इसीलिए आई हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी फिक्र करती हूँ। मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए ऐसा रहना कितना मुश्किल है। ऐसी दुनिया के बारे में जानने को मिला जिसके बारे में मुझे पता नहीं था। एबी कहती है मैं यहाँ डार्कनेस देखी तुम्हारी वजह से, पर यह भी है कि इस जगह की खूबसूरती मैंने तुम्हारे थ्रू देखी। एलेक कहता है मैं हमेशा के लिए चले जाने वाला था, पर तुम्हें फिर कभी ना देखने की ख्याल ने मुझे रोक दिया। एबी कहती है ये एक और बात जो हमारे में कॉमन है। एलेक कहता है डार्कनेस अब भी बढ़ रहा है, फाइटिंग टू ब्रेक फ्री, फाइटिंग टू कम आउट। एबी कहती है मैं कहां जा रही हूँ, दोनों मिलके फेस करेंगे। एलेक कहता है ये हुई ना बात। यहाँ एपिसोड 10 खत्म हुआ, पर रुको भाई, पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में सुनकर जाओ। पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें मैट नजर आता है, वो अपने पुलिस स्टेशन में वापस आया है, पर यहाँ पर सब कुछ मैस नजर आता है। पूरे पुलिस स्टेशन में प्लांट हर जगह नजर आते हैं। तभी टेलर को किसी ने बुरी तरह से मार दिया है, ऐसा हमें नजर आता है। तभी उसकी नजर एक क्रीचर पर जाती है, वो क्रीचर कोई और नहीं बल्कि जेसन वुड्रो होता है। और यहाँ एपिसोड 10 खत्म होता है और उसका पोस्ट क्रेडिट सीन भी खत्म होता है। आप लोगों ने देखा स्वाम्प थिंग का पूरा एपिसोड मैंने एक्सप्लेन किया और पोस्ट क्रेडिट सीन भी बताया, तो आपको कैसा लगा ये एपिसोड और ये पोस्ट क्रेडिट सीन देखकर आपको क्या लगा मुझे जरूर बताना वीडियो में। तो मैं मिलूंगा आपसे कल किसी नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय।